हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय पर्यावरण के बहुविकल्पी प्रश्न। उसका यह भाग 7 है। 6 भाग हम करवा चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पारिस्थितिकी को प्राथमिक स्तर के छात्रों को समझाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह पारिस्थितिकी के कारकों का फोटो दिखाए। इसकी व्याख्या है, पारिस्थितिकी को प्राथमिक स्तर के छात्रों को समझाने के लिए पारिस्थितिकी के कारकों का फोटो शिक्षक द्वारा दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर के छात्र दृश्य माध्यम से किसी भी विषय को आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पारिस्थितिकी को समझाने के लिए एक शिक्षक में निम्न बात की समझ होनी चाहिए। इसका सी ऑप्शन सही है, पारिस्थितिकी के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष की गहन समझ होनी चाहिए। इसकी व्याख्या, पारिस्थितिकी को समझने के लिए शिक्षक को उसके सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष की समझ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, छात्रों में पर्यावरण दृष्टिकोण और पर्यावरण बोध की जागरूकता लाने के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है। उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाए जाने प्रयुक्त होने वाले जैविक और भौतिक तत्वों की सीमितता को बताएगा। अपने आसपास उपस्थित वन एवं पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। देश विदेश में बनने वाली अनेक पर्यावरणीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा। उपर्युक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही है। ये इसकी व्याख्या, छात्रों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण बोध की जागरूकता लाने के लिए एक शिक्षक द्वारा उपर्युक्त सभी कार्य किए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, पारिस्थितिकी के संबंध में बताए जाने के दौरान पारिस्थितिकी पर सरल प्रयोग और निदर्शन के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है। इसका सी ऑप्शन सही है, पारिस्थितिकी संबंधी समझ को विकसित करने के लिए उनमें अवलोकन कौशल तथा अन्य तथ्यों की समझ पैदा कर सकता है। इसकी व्याख्या, पारिस्थितिकी पर सरल प्रयोग और निदर्शन के लिए एक शिक्षक पारिस्थितिकी संबंधी समझ को विकसित करने के लिए उनमें अवलोकन कौशल तथा अन्य तथ्यों की समझ पैदा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, जिस पृथ्वी पर तुम रहते हो उसके संसाधन सीमित हैं, इस बात को आप छात्रों को कैसे समझाएंगे। इसका बी ऑप्शन सही, कोयले का एक टुकड़ा लेकर उसको दबाओ, उसकी आवश्यकता तथा मानव द्वारा किए जा रहे कोयले के उपभोग तथा भविष्य में उसके अस्तित्व संबंधी बात को समझाएंगे। इसकी व्याख्या है, पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं, छात्रों को इस बात को समझाने के लिए हम इस प्रकार का कोई भी संसाधन उन्हें दिखाते हुए उद्भव आवश्यकता और मानव द्वारा उसके उपभोग तथा भविष्य में उसके अस्तित्व संबंधी बातें समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सरकार को यह ज्ञात होता है कि बुंदेलखंड में खोजे गए किसी नए तत्व से बड़ी मात्रा में बिजली बन सकती है तथा इससे प्रदेश में व्याप्त ऊर्जा संकट की पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। इस स्थिति में सरकार को चाहिए कि वहां खनन तो कराए लेकिन सीमित मात्रा में। इसकी व्याख्या, आवश्यक तत्व होते हुए भी सरकार को सीमित मात्रा में खनन करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, पारिस्थितिकी पर छात्रों को दत्त कार्य के लिए आप किस प्रकार निर्देश दे सकते हैं। उनसे कहेंगे कि दिए गए दत्त कार्य के संबंध में सूचना खोजें। उनके अभिभावकों से कहेंगे कि छात्रों को सूचना खोजने में उनकी मदद करें तथा स्वयं भी इसमें भाग लें। उन्हें प्रतिदिन इस संबंध में गृह कार्य तथा कक्षा में अभ्यास कार्य देंगे, जिससे उस संबंध में भी पर्याप्त सूचना एकत्र करें व बोध विकसित करें। उपर्युक्त सभी कथन सत्य। इसका डी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या है, पारिस्थितिकी पर छात्रों के दत्त कार्य के लिए शिक्षक उससे संबंधित सूचना खोजने, उसे खोजने एवं एकत्रित करने में अभिभावकों द्वारा सहायता करने का निर्देश देगा और साथ ही छात्रों को इससे संबंधित गृह एवं कक्षा कार्य देगा, जिससे छात्र सूचनाएं एकत्र कर बोध विकसित करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा में पारिस्थितिकी पढ़ाने के दौरान छात्र सुनने समझने में रुचि ना ले रहे हों तो आप क्या करेंगे। इसका बी ऑप्शन सही है, पढ़ाने का तरीका व बिंदु दोनों बदल देंगे। इसकी व्याख्या है, यदि कक्षा में पारिस्थितिकी पढ़ाने के दौरान छात्र सुनने और समझने में रुचि ना ले रहे हों तो पढ़ाने के तरीके और बिंदु दोनों को बदल देंगे, जिससे छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम में रुचि उत्पन्न हो सके। क्वेश्चन नंबर 9, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया था। इसका ए ऑप्शन सही है, ए जी टांसले ने प्रतिपादित किया था।
पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले द्वारा वर्ष 1935 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता को नहीं बढ़ावा देता? इसका डी ऑप्शन सही है, मानव जनसंख्या वृद्धि हेतु उपयुक्त दशाएं। मानव जनसंख्या वृद्धि से पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता नहीं आती, बल्कि इससे पारिस्थितिक तंत्र का ह्रास होता है। क्वेश्चन नंबर 11, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा अधोलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा चालित होता है, परंतु सौर ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। और चौथा ऑप्शन भी सही है, इनमें मापक आयाम नहीं होता। तो ये रहा इसका आंसर, इसका डी ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन और चौथा दोनों सही हैं। ये इसकी व्याख्या, पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र है ना कि एक समृद्ध तंत्र, और सौर ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण आधार है। पारिस्थितिक तंत्र का मापक आधार नहीं होता है। एक खेत, झील, वन या संपूर्ण पृथ्वी एक पारिस्थितिक तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में कौन सा पारिस्थितिकी संसाधनों के प्रबंध के संबंध में सही है? इसका डी ऑप्शन सही है, प्राकृतिक संसाधनों का तर्कसंगत विदोहन एवं पर्यावरण की गुणवत्ता का अनुरक्षण। इसकी व्याख्या, पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग ही संसाधन प्रबंधन है। संसाधन प्रबंधन टिकाऊ विकास की अवधारणा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी पारिस्थितिक तंत्र का आधारभूत तत्व है? इसका सी ऑप्शन सही है, ऊर्जा प्रवाह। इसकी व्याख्या, ऊर्जा प्रवाह किसी पारिस्थितिक तंत्र का आधारभूत तत्व है। क्वेश्चन नंबर 14, इको डेवलपमेंट का तात्पर्य है पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखते हुए आर्थिक विकास। इसका सी ऑप्शन सही है, ये रही इसकी व्याख्या। इको डेवलपमेंट सतत विकास की संकल्पना पर आधारित है। इसका उद्देश्य है पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखते हुए आर्थिक विकास करना। क्वेश्चन नंबर 15, ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कहता है कि झील एक पारिस्थितिकी तंत्र है और कारण यह सीमित आकार का जलाशय है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसकी व्याख्या है, पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा अत्यंत ही लचीली है। एक खेत, तालाब, झील, वन एवं संपूर्ण विश्व को पारिस्थितिक तंत्र माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा उनके भौतिक वातावरण से अंतर संबंध के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? इसका बी ऑप्शन सही है, पारिस्थितिकी नाम से जाना जाता है। इसकी व्याख्या है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीवों तथा उनके भौतिक पर्यावरण और दूसरी ओर विभिन्न जीवों की पारस्परिक अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, पोषण स्तर 1, ये स्वपोषित से सम्मिलित है। पोषण स्तर 2, यह प्राथमिक उपभोक्ता से सम्मिलित है। पोषण स्तर 3, यह मांसाहारी से सम्मिलित है। ऑप्शन डी, पोषण स्तर 4, अपघटक से सम्मिलित है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ए का दूसरे नंबर से, बी का तीसरे नंबर से, सी का पहले नंबर से और डी का चौथे नंबर से। इसकी व्याख्या, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है पोषण स्तरों से होकर जाता है। पोषण स्तर 1 में प्राथमिक उत्पादक पौधे होते हैं। पोषण स्तर 2 में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। पोषण स्तर 3 में द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं तथा पोषण स्तर 4 में अपघटक को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, पारिस्थितिकी उत्पादकता होती है? इसका सी ऑप्शन सही है, प्रति क्षेत्रीय एवं प्रति समय इकाई में बायोमास का उत्पादन दर। इसकी व्याख्या, बायोमास का प्रति क्षेत्रीय एवं प्रति समय इकाई में उत्पादन दर पारिस्थितिकी
उत्पादकता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सही नहीं है, पादप प्लवक अपघटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सी ऑप्शन सही नहीं है, घास के मैदान में जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 एक कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कहता है शोषण के कारण बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्ष क्षय बढ़ता जाता है। कारण बढ़ते पोषण स्तर के साथ जंतुओं को अपना आहार प्राप्त करने के लिए अधिक चलना एवं कार्य करना पड़ता है। इसका ए ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। इसकी व्याख्या है बढ़ते पोषण स्तर के साथ जंतुओं को अपना आहार प्राप्त करने के लिए अधिक चलना एवं कार्य करना पड़ता है, अतः श्वसन द्वारा ऊर्जा के क्षय की सापेक्षक मात्रा बढ़ते पोषण स्तर के साथ बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से कौन एक सही कथन नहीं है? इसका डी ऑप्शन सही नहीं है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के आद्र भार को बायोमास कहते हैं। इसकी व्याख्या प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थ पौधे जंतु एवं सूक्ष्म जीव के सकल भार या उनकी मात्रा में जैवपुंज या बायोमास कहा जाता है। इसे शुष्क भार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ना कि आद्र भार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 23 एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में निम्नांकित कथनों में कौन सा सही नहीं है? इसका डी ऑप्शन सही नहीं है, वह एक संवृत तंत्र है। इसकी व्याख्या पारिस्थितिक तंत्र संवृत तंत्र नहीं बल्कि एक खुला तंत्र है, इसमें ऊर्जा का निवेश एवं निकास होता है। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, ये भी कथन और कारण वाला क्वेश्चन। कथन कहता है जैविक समुदायों तथा जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं, और कारण कहता है इस प्रकार के अध्ययन की इकाई पारिस्थितिक तंत्र है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा स्थानांतरण की प्रतिशतता को कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है, पारिस्थितिक दक्षता कहा जाता है। इसकी व्याख्या है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा के प्रतिशत को पारिस्थितिक दक्षता कहा जाता है। औसत रूप से 10% ऊर्जा का स्थानांतरण ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होता है। स्टूडेंट ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन हम आपको अगले भाग में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।